प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट डिस्कस किया था. आज हम ले रहे हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. सपोज फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ डिवाइडेड 102 18 36 1 3 4 17 3 आपको प्रूव करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू जीरो. सपोज फर्स्ट रो से कांस्टेंट हम कॉमन कर रहे हैं, एलएचएस आपने स्टार्ट किया. अगर हम यहां से 6 कॉमन करते हैं, 6 1 जा 6, 6 7 जा 40, 6 3 जा 18 एंड 6 6 जा 36, 1 3 4 एंड 7 73 एंड 6. फर्स्ट रो and third row are identical, R1 and R3 are identical, so value is 0 and 6 into 0 that is 0 which is R. तो हमें कोशिश ये करनी है जब भी हमें 0 के इक्वल डिटरमिनेंट को प्रूव करना है तो या तो हमारे पास कोई टू रोज या टू कॉलम्स आइडेंटिकल हो रहे हैं तब हम उसको जीरो ले सकते हैं, या कोई कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम हमें जीरोस का मिल पा रहा है तब भी हम उसको क्या ले सकते हैं, जीरो. एक और देखिएगा इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड. सपोज 111 बीसी सीए ए. Next is A, B plus C, B, C plus A, and C, A plus B. Also, this determinants prove that this is equals to 0. अब इसको calculate कैसे करेंगे आप? अगर हम third column को expand करते हैं, suppose हमने LHS से start किया, 1, 1, 1, B, C, C, A, A, B. इसको हम simplify करें तो A, B plus A, C. BC plus A and AC plus BC. AB है, AC है लेकिन BC नहीं. यहाँ पर BC है, AB है लेकिन AC नहीं. AC BC है और AB नहीं. तो suppose हम C3 में apply कर दें C3 plus C. क्या मिल जाएगा? This is 111 BC CA AB and this becomes AB plus BC plus AC. In the same way, again AB plus BC plus AC. Third is also equal AB plus BC plus AC. किसी भी row में या किसी भी column में कोई constant common है तो उसको हम common कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे same factor हमें क्या मिल पा रहा है, common. इसको अगर हम common करते हैं तो AB plus BC plus AC हमने common किया. Now determinant becomes 111 BC CA and AB. And third column is also 111. And this value is again 0. Why? C1 and C3 are identical values. कोई भी दो कॉलम जब एक जैसे हो जाए तो वहीं पे आपने मेंशन कर दिया है C1 and C3 are identical, so value of determinant is 0. एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड. वन बाय वन प्रॉपर्टीज लेंगे ताकि समझ में आ जाए. ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी एंड सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस टू दैट दिस डिटरमिनेंट इज जीरो. सपोज एलएचएस से हम स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिकल वैल्यूज हैं तो या तो हम कॉलम्स को ऐड कर दें या रोज को ऐड कर दें सिंपली बाय टेकिंग R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस R2 प्लस R3. अगर हम तीनों रोज को ऐड करते हैं साइमल्टेनियस तो फर्स्ट यहाँ पे हमें मिलेगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए और सारे टर्म्स जो कि कैंसिल हो जा रहे हैं दैट इज जीरो. सेम वे यहाँ पर जीरो, सेम वे यहाँ पर जीरो. बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी. और क्योंकि फर्स्ट रो कंप्लीट हमें क्या मिल पा रहा है, जीरोस एंड दिस इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू आरएचएस. क्योंकि फर्स्ट रो कंप्लीटली क्या है, जीरोस का है, इसलिए हम इस डिटरमिनेंट को
आगे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। अगले वीडियो में हम अपने और डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस लेंगे।